आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। आज हम अपरा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। एकादशी का व्रत सभी सनातन धर्म वाले और भी जो भी विश्व में जितने मनुष्य हैं सभी को करना चाहिए। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे उसने कैसे भी पाप किए हों, अंत समय में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इस कथा को सुनने से और इस कथा के पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हजारों गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत के दिन मनुष्यों को भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी होती है और हो सके तो मनुष्य निराहार रहे, न हो सके तो जल पी के रहे। जल पी के भी नहीं रहा जाता तो फिर दूध पी के रहे, दूध पी के भी नहीं रहा जाता तो फिर फल खा के रहे। एकादशी का व्रत करे, फल से भी नहीं होता तो फिर शाम को कुट्टू का आटा, आलू आदि सांदा नमक डाल करके उसमें फिर उसका आहार भगवान जी को पहले भोग लगाएं, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, सभी दरबारी हैं। एकादशी आई, श्री धर्मराज जी ने श्री कृष्ण भगवान से निवेदन किया, प्रभु कृपा करके ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका महात्म्य किस प्रकार से है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। इसका व्रत करने से बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है और बड़े बड़े पापों का नाश होता है। उसमें से जैसे ब्रह्म हत्या हो, अपने गोत्र की किसी प्राणी की हत्या किसी ने कर दी हो जाने अनजाने में, इसके व्रत से पापों से छुटकारा मिल जाता है। गर्भ में पल रहे बालक की किसी ने जैसे भ्रूण हत्या कर देते हैं, दूसरे की निंदा कर लेते हैं लोग, प्राय स्त्रियों से जिन्होंने संभोग किया हो, यानी कि जो कोई भी पापी कितना भी पापी क्यों न हो, इस व्रत को करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देता हो, नाप तोल में गड़बड़ी करता हो, बिना ज्ञान के ही नक्षत्र गणना करके ज्योतिषी होने का ढोंग रचता हो, यानी कि लोगों को ठगता हो, ये सब नरक में जाते हैं। पर अपरा एकादशी का व्रत कर लेने पर इनके पाप भी छूट जाते हैं और ये नरक जाने से बच जाते हैं। जैसे कोई ढोंगी डॉक्टर बन गया हो, झूठ मूठ में ही लोगों को दवाइयां देता हो, इन पापों से बच जाते हैं। पर एकादशी के व्रत करने के बाद दोबारा से उनको ये पाप नहीं करने चाहिए। जो पुण्य मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है तथा काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, अपरा एकादशी को उपवास करके वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है और वह वैकुंठ धाम को चला जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाला उस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है जो 1000 गोदान करने से मिलता है। एकादशी जो व्रत है, यानी कि अपरा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और आहार ककड़ी का लेना चाहिए। अब आज की कथा यहीं पर पूरी हो गई है। अगले
एक और कथा के साथ एकादशी की हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। अशुतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्योर्मा अमृतं गमयो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। एकादशी मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की जय।